नमस्कार दोस्तों, आज हम पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी के जीवन के विषय में जानेंगे। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद के चुनाव में ममता बनर्जी जी ने तीसरी बार विजय हासिल कर मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया है। मैंने उनके जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह तैयार किया है। आशा है यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगेगी। आपको अगर मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न पहला है, ममता बनर्जी जी का जन्म कब हुआ? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी का जन्म 5 जनवरी सन 1955 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक बंगाली परिवार में हुआ था। प्रश्न दूसरा है, ममता बनर्जी जी के पिता और माता का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है, ममता बनर्जी जी के पिता का नाम रमिलेश्वर बनर्जी और माता का नाम गायत्री देवी है। इनकी माता एक स्कूल में शिक्षिका के पद पर कार्यरत थी। प्रश्न तीसरा है, ममता बनर्जी जी का व्यक्तिगत जीवन क्या रहा है एवं इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी अविवाहित हैं और इन्हें सब दीदी के नाम से जानते हैं तथा इन्हें बंगाल की शेरनी भी कहा जाता है। प्रश्न चौथा है, ममता बनर्जी जी ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई कहां से पूरी की? तो इसका उत्तर है, देशबंधु शिशुपाल स्कूल कोलकाता पश्चिम बंगाल से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पढ़ाई पूरी की। प्रश्न पांचवा है, ममता बनर्जी जी ने पश्चिम बंगाल में कौन सा नारा दिया? तो इसका उत्तर है, माँ माटी और मानुष का नारा ममता बनर्जी जी ने पश्चिम बंगाल में दिया। उन्होंने माँ माटी और मानुष को लोकतंत्र की संपदा कहा है। प्रश्न छठवां है, ममता बनर्जी जी ने कौन सी राजनीतिक पार्टी से जीत हासिल कर मुख्यमंत्री पद को प्राप्त किया है? तो इसका उत्तर है, ममता बनर्जी जी ने तृणमूल कांग्रेस TMC पार्टी से मुख्यमंत्री पद को प्राप्त किया है। प्रश्न सातवां है, ममता बनर्जी जी के कितने भाई बहन हैं? तो इसका उत्तर है, ममता बनर्जी जी के 6 भाई और बहनों में वे इकलौती हैं। प्रश्न आठवां है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने स्नातक की शिक्षा कौन से कॉलेज से प्राप्त की? तो उसका उत्तर है, जोगमाया देवी कॉलेज कोलकाता पश्चिम बंगाल से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। प्रश्न नौवां है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने MA की शिक्षा कहां से प्राप्त की और कौन से विषय में प्राप्त की? तो इसका उत्तर है, श्री शिक्षायत कॉलेज कोलकाता से ममता बनर्जी जी ने इस्लामी इतिहास विषय में MA की शिक्षा प्राप्त की। प्रश्न दसवां है, ममता बनर्जी जी ने लॉ की शिक्षा कहां से प्राप्त की? तो इसका उत्तर है, जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज कोलकाता से ममता बनर्जी जी ने कानून की शिक्षा प्राप्त की। प्रश्न ग्यारहवां है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का राजनीतिक कैरियर कहां से व कब शुरू हुआ? तो उसका उत्तर है, महज 15 साल की उम्र में ही ममता बनर्जी जी ने अपनी पढ़ाई के दौरान कांग्रेस पार्टी से संबंधित छात्र परिषद की नींव रखी थी और जीत हासिल की। सन 1976 से सन 1980 तक वे पश्चिम बंगाल में महिला कांग्रेस आई की महासचिव पद पर रही। प्रश्न बारहवां है, भारतीय कांग्रेस पार्टी से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस पार्टी का गठन कब किया गया? तो उसका उत्तर है, सन 1997 में ममता बनर्जी के द्वारा तृणमूल कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया। वे इस पार्टी की अध्यक्ष बनी। प्रश्न तेरहवां है, पश्चिम बंगाल के कांग्रेस पार्टी की युवा अध्यक्ष ममता बनर्जी कब बनी? तो इसका उत्तर है, पश्चिम बंगाल की कांग्रेस पार्टी की युवा अध्यक्ष पद पर ममता बनर्जी का चयन सन 1990 में हुआ। प्रश्न चौदहवां है, ममता बनर्जी कब से कब तक रेलवे की कैबिनेट मंत्री रही?
तो इसका उत्तर है ममता बनर्जी दो बार रेलवे की कैबिनेट मंत्री रही। उनका पहला कार्यकाल 13 अक्टूबर सन 1999 से 15 मार्च सन 2001 तक और दूसरा कार्यकाल 26 मई सन 2009 से 19 मई सन 2011 तक रहा। प्रश्न 15वां है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री कब बनी एवं वे किस वर्ष राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन से जुड़ी? तो इसका उत्तर है, ममता बनर्जी 9 जनवरी सन 2004 से मई 2004 तक केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री के पद पर रही एवं वे वर्ष 1999 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन सरकार से जुड़ी। प्रश्न 16वां है, किस वर्ष टाइम पत्रिका ने ममता बनर्जी को 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में रखा था? तो इसका उत्तर है, सन 2012 में टाइम पत्रिका ने ममता बनर्जी जी को 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में रखा था। प्रश्न 17वां है, वर्तमान में ममता बनर्जी की आयु कितनी है? तो इसका उत्तर है 66 वर्ष की है। प्रश्न 18वां है, ममता बनर्जी के प्रमुख शौक क्या है? तो इसका उत्तर है, ममता बनर्जी जी को कविता लेखन और पेंटिंग करने का शौक है। सन 2012 को ममता बनर्जी जी की एक पेंटिंग न्यूयॉर्क में $3,000 में बिकी थी। प्रश्न 19वां है, ममता बनर्जी जी की प्रमुख वेशभूषा क्या है? तो उसका उत्तर है, ममता बनर्जी हमेशा सफेद साड़ी पहनती है, काफी सादगीपूर्ण जीवन जीती है, पैरों में स्लीपर पहनती है। प्रश्न 20वां है, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कब बनी? तो उसका उत्तर है, सन 2011 में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। उन्होंने ज्योति बसु और बुद्धदेव भट्टाचार्य के प्रतिनिधित्व वाली वाम मोर्चा सरकार को समाप्त कर विजय हासिल किया। इस मुख्यमंत्री चुनाव में ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस पार्टी को कुल 184 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल हुई। प्रश्न 21वां है, ममता बनर्जी ने पहली बार युवा सांसद का पुरस्कार कब ग्रहण किया? तो इसका उत्तर है, सन 1984 में पश्चिम बंगाल के जादवपुर संसदीय क्षेत्र से ममता बनर्जी ने जीत हासिल कर अनुभवी और राजनीतिक नेता सोमनाथ चटर्जी को पराजित करते हुए पहली बार युवा सांसद का पुरस्कार ग्रहण किया था। प्रश्न 22वां है, ममता बनर्जी ने बंगला भाषा में कौन सी किताबें लिखी हैं? तो उसका उत्तर है, माँ माटी और मानुष, मातृभूमि, तृणमूल अनुभूति, जनमायनी, जागो बांग्ला और अशुभ संकेत ममता बनर्जी जी के द्वारा बंगला भाषा में लिखी किताबें हैं। प्रश्न 23वां है, अंग्रेजी भाषा में ममता बनर्जी के द्वारा लिखी कौन सी किताबें हैं? तो उसका उत्तर है, डार्क होरिजोन, गहरा क्षितिज, स्माइल मुस्कान, स्लॉटर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की हत्या, स्ट्रगल ऑफ एक्सिस्टेंस, अस्तित्व का संघर्ष आदि किताबें ममता बनर्जी ने अंग्रेजी भाषा में लिखी हैं। प्रश्न 24वां है, ब्लूमबर्ग मार्केट्स पत्रिका ने वित्त की दुनिया में 50 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को किस वर्ष चिन्हित किया? तो उसका उत्तर है, सितंबर वर्ष 2012 में। प्रश्न 25वां है, ममता बनर्जी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की परामर्श समिति में किस वर्ष सदस्य बनी? तो उसका उत्तर है, सन 1987 से सन 1988 तक। प्रश्न 26वां है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किस वर्ष युवा मामले और खेल विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री रही? तो उसका उत्तर है, वर्ष 1991 से वर्ष 1993 तक। प्रश्न 27वां है, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की दूसरी बार मुख्यमंत्री कब बनी? प्रश्न 27वां है, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की दूसरी बार मुख्यमंत्री कब बनी? तो उसका उत्तर है, 27 मई सन 2016 को। प्रश्न 28वां है,
वाम मोर्चा सरकार के कितने वर्षों के पश्चात मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें मात देकर एक नई पार्टी के रूप में अपना कार्यकाल प्रारंभ किया था, तो उसका उत्तर है वाम मोर्चा सरकार के 34 वर्षों के पश्चात पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार की कांग्रेस की सरकार बनी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें मात देकर एक नई पार्टी के रूप में अपना कार्यकाल प्रारंभ किया। प्रश्न 29वां है, ममता बनर्जी तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कब बनी व कितनी सीटों से उन्होंने विजय प्राप्त की, तो उसका उत्तर है 2 मई सन 2021 को ममता बनर्जी तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी एवं 200 से अधिक सीटों से ममता बनर्जी जी ने विजय हासिल की। प्रश्न 30वां है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण कब लिया, तो उसका उत्तर है 5 मई सन 2021 को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण किया। प्रश्न 31वां है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का निवास स्थान कहाँ है, तो उसका उत्तर है हरीश चटर्जी स्ट्रीट कोलकाता पश्चिम बंगाल। प्रश्न 32वां है, ममता बनर्जी को किस संस्थान द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई है, तो उसका उत्तर है कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर के द्वारा ममता बनर्जी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई है। प्रश्न 33वां है, किस विश्वविद्यालय द्वारा ममता बनर्जी को डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो उसका उत्तर है कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा ममता बनर्जी को डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर डीलिट की डिग्री से सम्मानित किया गया है। प्रश्न 34वां है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य रूप से केंद्र सरकार के किन फैसलों का कड़ा विरोध किया है, तो इसका उत्तर है उन्होंने CAA, NRC, GST और नोटबंदी के फैसले का ममता बनर्जी जी ने कड़ा विरोध किया है। प्रश्न 35वां है, वर्ष 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में रेल मंत्री के पद पर कार्यरत रहते हुए ममता बनर्जी ने मुख्य रूप से क्या कार्य किए हैं, तो उसका उत्तर है वर्ष 2002 में ममता बनर्जी ने रेलवे के नवीनीकरण की दिशा में बड़े फैसले लिए। इसके अलावा उन्होंने एक्सप्रेस ट्रेनों में सर्विसेज को बढ़ाने और IRCTC की स्थापना करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। प्रश्न 36वां है, रूस में आयोजित किस कार्यक्रम में ममता बनर्जी जी ने भारत देश का प्रतिनिधित्व किया था, तो उसका उत्तर है ममता बनर्जी ने महिला सांसद के रूप में रूस में आयोजित वर्ल्ड वुमेन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारत देश का प्रतिनिधित्व किया था। प्रश्न 37वां है, वियतनाम में आयोजित किस कार्यक्रम में ममता बनर्जी जी ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था, तो उसका उत्तर है ममता बनर्जी जी ने वियतनाम में आयोजित विश्व युवा सम्मेलन कार्यक्रम में भारत के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। प्रश्न 38वां है, वर्ष 2005 में सिंगूर और नंदीग्राम जो पश्चिम बंगाल के हिस्से में आता है, ममता बनर्जी जी ने बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार के किस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था, तो इसका उत्तर है किसानों के जबरन भूमि अधिग्रहण के फैसले का विरोध ममता बनर्जी जी ने किया था। प्रश्न 39वां है, ममता बनर्जी जी ने रेल मंत्री के पद पर रहते हुए सबसे पहले कब रेलवे का बजट पेश किया था, तो उसका उत्तर है सन 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में ममता बनर्जी जी ने रेल मंत्री के पद पर रहते हुए सबसे पहले रेलवे का बजट पेश किया था। प्रश्न 40वां है, वर्ष 2021 के पश्चिम बंगाल राज्य में हुए मुख्यमंत्री चुनाव में ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें हासिल हुई, इसका उत्तर है मुख्यमंत्री चुनाव की कुल 292 सीटें थी, जिनमें से ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस पार्टी को 212 सीटें हासिल हुई एवं उन्हें 147 के बहुमत से जीत मिली। तृणमूल कांग्रेस को वोट
शेयर वर्ष 2016 के मुकाबले में लगभग 2.6% अधिक मिले।